वो पत्रे भर के लेके इससे। क्या जी, ये घर है क्या? हाँ ये घर है, वो अर्जेंट में इसी घर मिलती है। अरे जितने दिन में तुमने ये सड़ेला घर ढूंढे ना, उतने दिन में ऐसी मिट्टी के 10 घर बना लेती थी मैं। अरे छोटू, अरे इतना टाइम लगता है वहाँ से यहाँ आने को? अरे जरा कब से इंतजार कर रहा मैं। अरे कट्टे चाचा बंद करो ये तुम्हारे झूठे बाता। कब से खड़े रहेगा हम तुम्हारा इंतजार कर रहे, वो सब छोड़ो ता चाबी दो टाली की। अरे खुल्ला है काय के चाबी ढूंढ रहा। अरे सुन, 5,000 रुपए लाए ना एडवांस के? लाया हो इनके छोड़ने वाले के। अरे तुम क्या बिगड़ पैसे घर में जान देंगे क्या? चलो उठा सामान। अरे रुक, घर में जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें, तुम दोनों सुन लो। बोलो तो क्या शर्तें है तुम्हारी? ए छोटू, ये घर को है ना तू तेरी जान से ज्यादा संभालना, क्योंकि ये मेरे पुरखों की निशानी है। अरे चीचा, ये घर को ना मैं अपनी जान से ज्यादा संभालूंगा, नहीं घर समझूंगा। अरे तू किरायेदार है, अपना मत समझ, खाली इसको अच्छे से वापरना। अरे रुक, अरे मेरी पूरी बात तो सुन। सुनो भाई, मेरे घर में चूल्हा तो बिल्कुल मत जलाना, तो मेरा घर काला हो जाएगा। अरे छोटू, तुम दोनों के बीच में कभी झगड़े होते क्या? अरे हाँ चाचा, कभी कभार तो हो जाते ना। देखो तुम दोनों में कभी झगड़े हुए ना तो बाहर आके करना है। अब देखो तुम दोनों में झगड़े होंगे, तुम दोनों एक दूसरे को बर्तन मारी मारा करेंगे और वो दीवार को लगेंगे तो मेरी दीवार खराश होगी ना। तू जा तो। अरे छोटू, अरे तेरी औरत को बोलना ऐसा मत कर, इतनी जोर में दरवाजा बंद करी मेरा कलेजा हिल गया। रे बा, तू लग रहा ना तेरी औरत बहुत गुस्से वाली है। अरे नहीं हो चीचा, ऐसी कोई बात नहीं है। सुन, 1 तारीख को भाड़ा लेने आता मैं, और जब भाड़ा लेने आता ना तो 1 मिनट भी रुकता नहीं मैं। अरे छोटू तो कैसे रह लेते इसके साथ में? अरे चाचा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता मैं, जाओ तो यहाँ से, काम बढ़ाएंगे क्या? और खाना कैसा लगा? अरे 1 नंबर। तुझे पता था आपको अच्छा ही लगेगा, अच्छा लगा ना? अरे मेरे बाप, क्या ये तेरा मामा ही है ना? हाँ मेरे मामा ही है। और अपन जब भी घर बदलते कैसे मालूम पड़े तो? कहीं भी घर बदलो कुत्ते के जैसे सुनते सुनते बराबर पहुंच जाते। कुछ भी मत बोलो। जवाई रे जवाई बापू, तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे ना? कान में बहुत तेज है मामा तुम्हारे, और वैसे इधर की तरह आ गए तू। अरे दिशा भाई रे, मेरे को मालूम पड़ा तुमने घर चेंज किया, इसलिए मैं यहाँ चला आया, सोचा 4-8 दिन यहाँ रह लेंगे। अरे जवाई बापू का घर का खाना अच्छा लगता है। खाने का कुछ नहीं है मामा, अरे 3 टाइम की जगह ना 4 टाइम खा लेना, रात होते ही अपने अपने घर पे निकल जाना। ओ, कुछ भी मत बोलो, मेरे मामा यही रहेंगे 4-8 दिन। 4-8 दिन? वो बुड्ढे ने अगर इनको देख लिया ना तो अपना सामान बाहर आ जाएगा। बुड्ढे ने पहले ही बोल दिया था 2 के अलावा तीसरा दिखने नहीं होना। ओ, ऐसा कब बोला वो बुड्ढे ने? वो तू अंदर थी ना जब बुलाओ बुड्ढे ने मेरे पास। अरे दीजा महिला जवाई बापू, अरे ऐसा कोई घर लेता है क्या? मेरे को बोला होता अरे इससे अच्छा घर दिलाता था मैं। अरे मामा आजी लाए हमने यहाँ पे पसारा, अब ये पसारा लेके कहा फिर रहा? ए जी मेरे मामा बोल रहे तो अच्छा घर दिला देंगे। तू कुछ चुप है, तेरा मामा ने खुद तो आज तक कभी घर नहीं लिया, अपना को दिलाएगा? मैं रुकू के जाऊ? अरे मामा आप ऐसे कैसे चले जाओगे? ऐसे कैसे जाएंगे, वो जैसे है ना वैसे जाएंगे। और जाओ तू, और सुन लो तुम्हारे हाथ जोड़ता, तेरा 1-2 महीने सुकून से रहने दो हमको। क्या महिला जवाई बापू, तू मामा की बहुत बेइज्जती करे हा? मेरी दूसरी भांजी है ना सुनीता, उसके घर जाता मैं 4-8 दिन रह के आता हूँ। भगा दिए ना मेरे मामा को।
अरे घर में नहीं तो कम से कम ये खटिया पे सो जाते थे मेरे मामा। खटिया पे सो जाते थे और तेरे को मालूम नहीं है क्या तो मामा को नींद में चलने की आदत है, अगर रात में कहीं निकल जाएंगे तो। दादा, ओ दादा। अरे अरे तू एक गिलास पानी मिले है क्या? जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, तू है कौन रे? अरे वो नहीं क्या जो तेरे बाजू में रहता, उसका नाम शेर खान है, उसकी औरत का नाम कोयल है, उसकी लड़की का नाम मैना है, और उसके बेटे का नाम तोता है, और उसके भाई को सब काला बंदर बोलते है, और उनकी बहन की जो सबसे छोटी वाली है उसका नाम चिड़िया है चिड़िया, उसके साथ मेरा रिश्ता लगे ले। तो गलत जगह पे आ गया रे भैया तू। वो कैसे रे? अबे तू जितने नाम ले रहा ना, ते नाम परिंदों के जानवरों के, इसके तू जाके जंगल में पता कर। अरे दादा मैं तेरे से इसलिए पूछ रहा क्योंकि तू उनका पड़ोसी है ना। अरे तो मेरे को काहे को बोल रहा तू? तुम्हारी शादी में खाना बनाऊंगा क्या? तेरे को तो सब मालूम होगा ना कि वो लोग कैसे है क्या है। अरे मेरे को आने को यहाँ पे 2-4 दिन हो रहे, घर भाड़े से लिया मैंने, ये सब बताना ज्यादा करके औरतों को मालूम रहती है। तो दादा बुला ना तेरी औरत को, पूछते ना अपन कैसी है वो बाजू वाले। ठीक है। ए रानी, ए रानी, बाहर आ तो। हाँ बोलो जी, क्या बोल रहे हैं? अरे अपने बाजू में वो कोयल भाभी रहती ना, उसकी लड़की से ना इसका रिश्ता फिक्स हुआ, तो उसके बारे में ये इंक्वायरी करने आया। अच्छा तो तुम वो कोयल भाभी के होने वाले जवाई हो, तो वो चिड़िया से तुम शादी करोगे? हाँ भाभी, वही करने वाले हो, चिड़िया से शादी। कैसे वो लोग? रुको अभी बताती कैसे वो लोग, अभी बुलाती हूँ। कोयल भाभी, कोयल भाभी देखो आपका होने वाला जवाई आया है, हमारे बारे में इंक्वायरी कर रहा है। कोयल भाभी, ये भाभी तो नहीं बहाल कर रही। ये दादा तेरी औरत को बोल रहे मेरा रिश्ता टूट जाएगा ना, बोलना। छोड़ दे उसका रिश्ता टूट जाएगा ना, चुप। और सुन, आज के बाद दोबारा यहाँ पे दिखना मत। अरे तू आज की बात कर रही, जो दिन मेरी शादी रहेगी ना वो दिन भी नहीं आऊंगा मैं इधर। क्या जी, तुम तो रिकामे है ही, और ये रिकामे कामों के लिए मुझे बाहर बुला रहे। यार तो अलग ही नाटक रहता है यार। अरे आए क्या कोई घर में? अरे आए कोई? अरे भाई तू रह रही है घर के अंदर? अबे ये घर में जब बाहर मैं निकला तो मैं ही रह रहा ना रे। अच्छा तू रह रहा क्या यार? तो सुन, ये भी कुछ कायदे कानून है वो बताने आया तेरे को। अबे ये घर वाले बुड्ढे के कायदे कानून कम थे क्या जो तू अब तेरे कायदे कानून बताने आ गया? अबे यहाँ पे तो सारे कायदे पंडित दिख रहे रे, जो आ रहा अपने कायदे कानून बता रहा तो है बोल रहे। अरे मैं तेरा पड़ोसी है, ये बाजू में घर है मेरा। और सुन, तेरी औरत को समझा देना जो भी गान कचरा निकलेगा ना तेरे आंगन में रखना, मेरे दरवाजे पे आने नहीं होना, समझा दे रहा? अरे भाई मैं आऊंगा, मेरा कचरा तेरे आंगन में भाई। और सुन, तेरे बच्चे अगर मेरे आंगन में खेले कूदे ना तो चलेगा, आगने मुतने तो बिल्कुल भी नहीं होना। और सुन, अगर उन्होंने आगे मुते ना तो तेरी औरत को उड़ाने लगाऊंगा, समझ गया? अरे मेरे को बाल बच्चे नहीं है रे, अभी अभी तो मेरी शादी हुई। अरे तो कभी ना कभी तो बच्चे होंगे ना तुझे। अबे होंगे जब देख लेंगे यार। और सुन, एकदम रिकामा टल्ला यार, मुझे कुछ काम धंधे नहीं रहते, पूरी नजर तेरे ऊपर रहेंगी। अब तू जा तो ऐसे जा मेरे पास। देख ये यहाँ से लाइन मार दे रहा मैं, तेरी खटिया लाइन के वो पार आने नहीं होना, समझा क्या? सलाम, मैंने ये घर भाड़े से लिया कि मुसीबत ले लिया? वहाँ पे कब आके सोई तू? 12 बजे रात में आके सोया। रात में 12 बजे? अरे रात को 12 बजे एक तारीख लग जाती, और मैंने देखो पहले ही बोला था कि मेरे को एक तारीख को भाड़ा हो ना, और मैं भाड़ा लेने आता ना तो एक मिनट भी रुकता नहीं,
और तूने तो मेरे को पूरे 7 घंटे सुलाया यहाँ पे। अपन इतनी सुबह सुबह पैसे खा से लाओ। चल अब जल्दी से डबल भाड़ा दे तो घर खाली कर। हाय दोस्तों छोटू दादा के किराए का घर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए और दोस्तों अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।